भोरंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावों में इस बार कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने पर नाराज मंडी समिति के चेयरमैन प्रेम कौशल ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरकर चुनावी ताल ठोक दी है। प्रेम कौशल ने अपनी जीत का दावा किया और जनता की मांग पर चुनाव क्षेत्र में उतरने की बात कही। साथ ही प्रेम कौशल ने इस बार अनदेखी किए जाने पर मलाल भी जताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर भोरंज की जनता के साथ बार बार अन्याय करने पर तुली है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रेम कौशल ने कहा कि सालों से जनता की सेवा करते आए हैं, लेकिन पार्टी ने हर बार उनकी अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि अब ये अनदेखी सहन नहीं होगी, इसलिए जनता की मांग पर वे नामांकन भरने गए थे। प्रेम कौशल ने कहा कि भोरंज क्षेत्र की जनता की समस्याओं को निपटाना उनकी प्राथमिकता रहेगी और विकास कार्य करवाना ही चुनावी मुद्दे में शामिल है। चुनाव लड़ते रहे, चुनाव लड़ने के बाद गायब होते रहे, फिर मेहनत की, फिर डटे रहे, मैदान नहीं छोड़ा, लोग नहीं छोड़े, धरती नहीं छोड़ी, काम नहीं छोड़ा। उन्हीं थी के पीछे जो उपचुनाव हुआ उसमें मौका मिलेगा, मिला भी, लेकिन नामांकन से एक दिन पहले फिर गला काट दिया गया, फिर हत्या कर दी गई। मैंने तब फिर समझौता कर लिया, बगावत करने को मैं उस वक्त भी कर सकता था, लेकिन मैंने फिर समझौता किया और कांग्रेस पार्टी के साथ छाती तान के खुले तौर पर पूरे दमखम के साथ खड़ा हुआ। नतीजा जो भी आया वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद फिर उम्मीद थी कि 6 महीने के बाद तो चुनाव होने ही है, इसमें पार्टी आशीर्वाद देगी, फिर वही गड़बड़। कब तक? और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, तो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष भी है। दुर्भाग्य इस विधानसभा क्षेत्र का ये है, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है, अकेला मेरा तो है ही, मेरे साथ जो हो रहा है उसको मैं सहन कर रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन इलाके का भी है। इलाके का इसलिए है कि यहां गलत आदमी को टिकट दिया जाता है, दूसरे इसका फायदा उठा के जीत जाते हैं, और जब जीत जाते हैं तो सोचते लोग जिताते तो है ही, हमें काम करने की जरूरत क्या है। यार गांव गांव में मैं घूम रहा हूं, गली गली में काम मैं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई आक्रमण करते हैं, उसको डिफेंड कर रहा हूं, उनको अटैक कर रहा हूं। और क्या चाहते हैं आप एक कार्यकर्ता से? कौन सी कसौटी है, कौन सा पैमाना है जिससे आप उसको उसका नाप तोल करते हैं कि किसको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? तो साथियों, मैंने अपना जीवन, अपनी जवानी कांग्रेस पार्टी को, विधानसभा क्षेत्र की जनता को नहीं, दूसरे भी मेरे पास ये कोई लिमिट नहीं है। ये तो एक कर्म क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है विधानसभा। मेरे पास और भी कहीं का कोई व्यक्ति आ गया और मेरे करने का अगर कोई काम था, मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। एक मेरे में बुरी आदत है, वो ये है कि जब लोग काम के लिए आते हैं, जिसका काम होता है वो सोचता है मेरा काम हर हाल में हो जाना चाहिए। वो व्यक्ति की अपनी सोच होती है, पर मैं अपनी नजर से उसको देख के जिसको मैं कर सकता हूं, मुझे लगता है कि मैं इसको कर सकता हूं, पूरी ताकत, जितनी भी ताकत लगानी पड़े, मैं उसको हां करता हूं, और जिसको मैं नहीं कर सकता उसको मैं ना कर दे रहा हूं। कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हमें इनकार कर दिया, लेकिन राजनीति में वो लॉलीपॉप देने वाले लोग बहुत घूमते हैं, और हो जाएगा कर देंगे, घुमाते रहेंगे महीना भर इसके पीछे उसके पीछे, इधर दुड़ाएंगे उधर दुड़ाएंगे, 2-3 महीने के बाद बंदे को पता चलेगा मेरा काम तो नहीं हुआ, फिर वो गाली देगा, तो मैं उस गाली से बच जाता हूं क्योंकि सच बोल देता हूं। तो इसलिए ये जो लड़ाई है, अब ये लड़ाई है सच्चाई की, कर्म की, धर्म की और इंसाफ की बात करता हूं, तो उसका मतलब है कि अब जनता को भी मेरे साथ इंसाफ करना चाहिए।